आज मैं आपको बीए हिंदी ऑनर्स के 6 सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी आलोचना के पाठ सफलता और सार्थकता जिसके रचयिता नामवर सिंह हैं उसका सारांश समझाने जा रही हूँ। नामवर सिंह जी का कहना है कि कहानी का यह दुर्भाग्य है कि वह मनोरंजन के रूप में पढ़ी तो जाती है और शिल्प के रूप में आलोचित भी की जाती है। मनोरंजन इसकी सफलता में तो शिल्प इसकी सार्थकता है। बहुत से आलोचकों की दिलचस्पी कहानी में केवल इतनी ही है कि वह साहित्य का ही एक रूप है, इसलिए कहानी की ओर ध्यान जाता है या तो इतिहास लिखते समय या फिर साहित्य रूपों का शास्त्रीय विवेचन करते समय। जहां साहित्य के मान और मूल्यों की चर्चा होती है वहीं कहानियों के हवाले नहीं मिलते। अगर हवाले मिलते हैं तो केवल कविताओं और उपन्यासों के। आलोचकों की कुछ ऐसी धारणा है कि केवल कहानियां लिखकर कोई लेखक महान कभी नहीं बन सकता। बहुत से लोगों का यह कहना है कि प्रेमचंद उपन्यासकार से अधिक सफल कहानीकार हैं। नई कहानीकारों का यह मानना है कि इस पीढ़ी के कहानीकारों को में मानवीय मूल्यों के संरक्षण तथा सामाजिक नवजीवन के प्रयास देखे जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आज की कहानी नई भावनाओं का सृजन भी करती है। आज इतना ही कहना काफ़ी नहीं है कि कहानी अच्छी है या कहानी सफल है, बल्कि इस अच्छेपन और सफलता को अधिक ठोस रूप देने की आवश्यकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज कहानी को सफलता का अर्थ है कि कहानी की सार्थकता। आज किसी कहानी का शिल्प की दृष्टि से सफल होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वर्तमान वास्तविकता के सामने उसकी सार्थकता भी परखी जानी चाहिए। जीवन के जिन मूल्यों की कसौटी पर हम कविता, उपन्यास और साहित्य की परीक्षा लेते हैं, उन्हीं कहानी की भी परीक्षा होनी चाहिए। यह धारणा गलत है कि साहित्य के तमाम रूपों में एक ही बात कही जाती है। रूप की विशेषता से वस्तु में भी विशेषता आ जाती है। एक साहित्यकार कविता की वास्तविकता का एक पहलू दिखाता है तो उपन्यास दूसरा पहलू दिखाता है और कहानी तीसरा। साहित्य के रूप केवल रूप नहीं बल्कि जीवन को समझाने के अलग अलग माध्यम हैं। जब एक माध्यम समाप्त होता है तो दूसरा माध्यम का निर्माण किया जाता है। हमारी इस ऐतिहासिक आवश्यकता से एक समय कहानी भी उत्पन्न हुई और अपने रस सौंदर्य के द्वारा इसने हमारे सत्य सौंदर्य को भी विकसित किया। कहानी की इसी भूमिका की मांग है कि वर्तमान में उसकी सार्थकता की परीक्षा भी की जाए। इस धारणा का यह असर पड़ा कि लोगों ने कहानी में जीवन सत्य तथा भाव बोध को देखना छोड़कर इसे कहानी की परिभाषित संज्ञाओं के रूप में देखना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने कहानी के सत्य को भी नहीं बल्कि कहानी के कहानीपन की समझ भी खो दी। इस गलत धारणा का असर आलोचना पर तो पड़ा ही, पर वह तो स्पष्ट है कि ना तो वह पाठक के काम की रही और ना ही कहानी लेखक के काम की रही, और साथ ही इस विचारधारा ने कहानी के शिल्प को बिगाड़ने में भी बहुत काम किया। अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।